आमचा त्यांचा आम्हाला साथ आहे, आम्हाला बॉडी पण दाखवलं सांगा पोराला बच्चा पटाकड़ी जलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा? मुझ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं हम लोग को, मरने का। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां ने प्रशासन पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है आरोपी अक्षय पटाखे तक नहीं फोड़ सकता था, ऐसे में वो कैसे मान ले कि अक्षय ने कई राउंड फायरिंग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद अब हम जीना नहीं चाहते बल्कि मर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी सजा दी जाए। सुनिए आरोपी अक्षय की मां की व्यथा उन्हीं की जुबानी। क्या कहेंगे जो है आप अक्षय की मां है, क्या बातचीत हुई थी अक्षय के साथ आज और क्या कहेंगे? अक्षय बोला मेरे को कभी चुड़ाएगा करके बोला। मैं बोला बाबा एक महीने के बाद चुड़ाएगा। मैं उसको बोला कैसे है तू, उसको वो उसने बोला अच्छा है। मैं बोला खाना पीना मिलता है? तो वो बोला मिलता है घर पे। तो मेरे को बोला मम्मी इधर सब लोग खाता पीता है, मेरे को नहीं, मेरे को भी होटल में कुछ खाने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता है होटल में। तो मेरे को ऐसा ऐसा बोला उसने, मेरे को भी खाने के लिए पैसा भेजो। बोला बाबा मेरे पास वो पैसा भेजा, पुलिस वाले तो लेते नहीं पैसा। तो नंबर दिया कैदी था, उसका साथ में बुड्ढा था, केस का है नंबर दिया। उसके बाद मैं बोला ये गुना केला के नहीं केला ये समोर क्या बोलता पोस्टी में एक महीने के बाद छोड़ा। उसका पेपर था इतना बड़ा, मोटे उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को बोल रहा है लड़का, पढ़ के पढ़ने को नहीं आता पढ़ने को नहीं आता बोला उसने। आशा मेरे को ऐसा भी दिया उसने, मेरे को पट्टी भी दिया मेरा बच्चे, और एक घंटे में उसको मार दिया तुम लोग। इतना अच्छे से बोला बच्चे ने आशा, और एक घंटे में उसने फायरिंग किया करके कुछ भी बताएगा तुम लोग? पुलिस पुलिस वाले भरोसा नहीं मांगा, कुछ भी बताएगा वो बच्चे वही बच्चे मिला था उन लोग को। क्या लगता है किसने फंसाया था अक्षय को, क्या लगता है किसकी जाती सो सकती है? स्कूल में बस काम पे गया था, उसके बाद ही उन लोग का क्या बोलूं, क्या चालू था क्या नहीं। वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला, रिपोर्ट भी निकाला तो तुम उधर दाखिल करना मांगते है ना, कोर्ट में दाखिल करना मांगते है ना, दिखाना मांगते है ना। हाँ बाबा बच्चे ने किया है क्या नहीं करके, तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया, और ऊपर से बोलेगा कि उसका फायरिंग किया करके। वो बच्चा पटाखड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा? कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं हम लोग को, मरने का। अक्षय की मां का कहना है कि अगर उनका बेटा गुनहगार था तो उसे कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए थी। उसे मार कर प्रशासन कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। अपने बेटे को खो देने का गम मां के जहन से जा नहीं रहा। वही मां के साथ परिवार वालों को ये लग रहा है कि उनके बेटे और उनके साथ अन्याय हुआ है। गौरतलब है विपक्ष की ओर से भी ये सवाल उठाया गया था कि जब आरोपी अक्षय के सिर पर कपड़ा था और हाथ बंधे हुए थे तो वो बंदूक कैसे छीन सकता है। इस एनकाउंटर के बाद लगातार विपक्ष सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। बताते चले बीते रोज यानी 23 सितंबर को अक्षय शिंदे का पुलिस वैन में एनकाउंटर हुआ था। इसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस का कहना है कि शिंदे की मौत जवाबी गोलीबारी में हुई, उसने कांस्टेबल की बंदूक छीन कर पुलिस पर गोलियां चला दी थी। ऐसे में पुलिस को भी अपने बचाव में अक्षय पर फायर करना पड़ा। याद दिला दे बीते महीने ठाणे जिले के एक स्कूल के शौचालय में शिंदे द्वारा दो बच्चियों का कथित यौन उत्पीड़न किए जाने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया था। अक्षय शिंदे के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई थी। परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा देखते हुए आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।